What is up guys, welcome back to my channel and इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकिलिंग शॉर्ट्स के बारे में। साइकिलिंग शॉर्ट्स भी काफी सारे तरीके के आते हैं, काफी सारे ब्रांड्स के आते हैं एंड क्या इंडियन साइकिलिंग शॉर्ट्स एंड इंटरनेशनल जो साइकिलिंग शॉर्ट्स होते हैं इनमें कंपैरिजन बनता भी है या नहीं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो कहीं भी पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो नोटिफिकेशन की बेल भी दबा देना ताकि जैसे मैं अपने चैनल के ऊपर अपनी न्यू वीडियो को अपलोड करूंगा आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब आगे इस वाली वीडियो में बढ़ते हैं और इस वाली वीडियो में तबाही मचा दो। बिप शॉर्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में जाते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल बिप शॉर्ट्स को भी देखोगे तो 2000 से स्टार्ट होते हैं एंड अगर आपको साइकिलिंग शॉर्ट्स लेने हैं तो 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बिप शॉर्ट्स इतने अच्छे होते हैं या साइकिलिंग शॉर्ट्स ज्यादा अच्छे होते हैं, कौन से ज्यादा अच्छे होते हैं? तो ओवरऑल भाई कम्फर्ट वाइज एंड नॉर्मल इजी एवरीडे यूसेज के हिसाब से ना जो नॉर्मल शॉर्ट्स होते हैं वो ज्यादा बेटर रहते हैं बिप शॉर्ट एवरीडे यूसेज के हिसाब से एंड नॉर्मल यूसेज के लिए भी गाइस इतने ज्यादा प्रेफर नहीं करे जाते हैं। प्रोफेशनल लोग ज्यादातर लोग भाई बिप शॉर्ट्स को यूज करते हैं। बिप शॉर्ट्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि अगर आपको टॉयलेट ब्रेक लगे एंड अगर आपको कहीं पे रुकना पड़े तो आपको अपनी पूरी जर्सी को उतारना पड़ेगा एंड उसके बाद अपने बिप शॉर्ट्स को उतारना पड़ेगा जो कि भाई एक राइड के दौरान अगर आप एक क्लोज एनवायरमेंट में नहीं है तो काफी ज्यादा वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है जिस वजह से काफी लोग भाई बिप शॉर्ट्स को प्रेफर नहीं करते हैं एंड वो नॉर्मल शॉर्ट्स के ऊपर जाते हैं। तो दूसरी नेगेटिव पॉइंट होता है एक बिप शॉर्ट का वो ये होता है अगर आप इंडोर ट्रेनिंग करते हैं ना तो जो बिप शॉर्ट्स होते हैं उसमें शोल्डर वाले ऐसे स्ट्रैप्स होते हैं तो ये काफी ज्यादा गर्मी करते हैं एंड इससे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है जिस वजह से अगर आप इंडोर में भी ज्यादातर लोग जो ट्रेनिंग करते हैं वो अपने स्ट्रैप्स को उतार के ट्रेनिंग करते हैं एंड जब आप स्ट्रैप्स को यूज ही नहीं कर रहे बेसिकली आप एक उसे नॉर्मल शॉर्ट्स की तरह ही यूज कर रहे हो तो ये एक और एक कॉन होता है बिप शॉर्ट्स का। बट भाई कॉन्स तो थोड़े से ही हैं बट जो एडवांटेज है वो भी काफी ज्यादा है एक बिप शॉर्ट की। बिप शॉर्ट के जो शोल्डर वाले स्ट्रैप्स होते हैं जनरली वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड होते हैं एंड अगर आप सस्ती रेंज में जाओगे तो उसमें भी आपको नेट वाला मटेरियल देखने को मिलता है जो इन शोल्डर स्ट्रैप्स का जो मेन फंक्शन होता है इस वजह से ये होते हैं जो आपका पूरा शॉर्ट्स है ना ये उसे अच्छी तरीके से इंटैक्ट एक पोजीशन के ऊपर ही रखते हैं। आपका जो शॉर्ट्स है वो ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, अगर ये हिलेंगे आपके राइड के दौरान तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं एंड एक ही पोजीशन में इन्हें होना होता है एंड बिप शॉर्ट्स इस चीज के लिए काफी ज्यादा बेटर होते हैं सिंस उसमें शोल्डर वाले ऐसे स्ट्रैप्स होते हैं तो जो शॉर्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं एंड जो नॉर्मल शॉर्ट्स होते हैं वो आपके वेस्ट के ऊपर लगे हुए होते हैं एंड अगर आप उसमें ज्यादा स्ट्रेचिंग व्रेचिंग करोगे झुकेगे उकोगे तो वो अपनी पोजीशन से हिल जाते हैं। ओवरऑल भाई ये एक काफी बड़ा एडवांटेज होता है एक बिप शॉर्ट के पास जो कि बाकी शॉर्ट्स में नहीं होता है। अब बात करते हैं भाई दोनों ही शॉर्ट्स के बारे में। बेसिकली बिप शॉर्ट्स हो या नॉर्मल वाले जो शॉर्ट्स हैं उनमें जो फैब्रिक का मटेरियल है ना वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है एंड ऐसा बोला जाता है कि 8 या 9 अलग अलग मटेरियल या अलग अलग स्टिचेस से बना हुआ होना चाहिए आपका शॉर्ट्स। बट इस पर भाई कोट मत करना क्योंकि मैंने एक फोरम के ऊपर पढ़ा है, इसके बारे में मेरे को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। बट भाई जो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस करा है ना, देखो शॉर्ट्स भी भाई दो टाइम के लिए होते हैं अलग अलग, एक होते हैं विंटर वाले वेदर के लिए एक होते हैं समर्स के लिए। अगर आप समर वाले शॉर्ट्स को विंटर वाले सीजन में पहनोगे तो आपको काफी ज्यादा भाई ठंड लगेगी। बेसिकली गाइस जो शॉर्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है जिस फैब्रिक से वो बना हुआ है वो काफी ज्यादा मैटर करता है एंड मैं आपको प्रेफर करने को बोलूंगा कि जिसमें नेट वाला मटेरियल होना उससे ज्यादा प्रेफरेंस देना क्योंकि वो ज्यादा एयर वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, आपका जो पूरे राइड है उसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, स्वेट नहीं जमा होगा, वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा एंड भाई आपकी जो राइड है वो ठंडी ठंडी रहेगी। अब बात करते हैं भाई पैडिंग के बारे में जो नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है एक शॉर्ट्स को दूसरे शॉर्ट्स से डिफरेंशिएट करने वाला एंड जिससे जो साइकिलिंग शॉर्ट्स है इनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड कम भी हो जाती है वो होती है पैडिंग। बिटवीन वाले शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कि ये सारी पैडिंग आती है, ये 3 तरीके की पैडिंग आती है जिसमें से भाई जो ब्लैक वाली है एंड ब्लू वाली है ये बहुत ज्यादा बेकार है एंड ब्लैक वाली सबसे सस्ती वाली पैडिंग होती है, ब्लू वाली सबसे ज्यादा महंगी वाली पैडिंग होती है एंड बिटवीन वाले इसमें क्लेम करते हैं कि इसके अंदर जेल पैडिंग है। बट भाई मैंने इसे एक्सपीरियंस कर रखा है, मैंने बिटवीन का बिप शॉर्ट्स खरीदा था, इजी उनकी 90-day रिटर्न वाली पॉलिसी होती है एंड उसको मैंने रिटर्न कर दिया था। उसे रिटर्न करके भाई मैंने ऑरेंज वाले ये वाले शॉर्ट्स खरीदे, ये 1500 रुपीज के आपको देखने को मिलते हैं। ये वाले भाई बेस्ट शॉर्ट्स हैं बिटवीन की तरफ से, ये वाली जो पैडिंग है ये बेस्ट रहती है साइकिलिंग के लिए। बिटवीन में भाई यही वाली पैडिंग वाले शॉर्ट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा एंड इधर पे ही मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये सबसे बेसिक है एंड ये 1500 रुपीज का आपको किसी भी डिकैथलॉन स्टोर में देखने को मिल जाएगा। इसकी जो डेंसिटी है वो 60 की है, ब्लू एंड ब्लैक इनकी तरफ मत जाना। सच बताऊं तो भाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए जो बिटवीन के बिप शॉर्ट्स हैं। हाँ उनका शोल्डर वाला स्ट्रैप वाला जो मैकेनिज्म है वो काफी ज्यादा बढ़िया है बट जो शॉर्ट्स की पैडिंग होती है जिस मेन चीज के लिए उसे हम खरीदते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये तो थी गाइस जो बिटवीन में इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन ब्रांड्स पैडिंग प्रोवाइड करते हैं, बट भाई काफी सारे चाइनीज ब्रांड्स भी आते हैं एंड चाइनीज वाली बहुत लोग भाई अली एक्सप्रेस
एक्सप्रेस एंड बैंगूट जैसी वेबसाइट से भी शॉर्ट्स को खरीदते थे। अब खरीदते हैं या नहीं खरीदते उसका मेरे को आइडिया नहीं है। मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा भाई इन वेबसाइट से ये शॉर्ट्स एंड जो ये जर्सीज होती है इन्हें मत परचेज करना, काफी बेकार क्वालिटी की होती है ये, इनके जो पैडिंग होती है बहुत ज्यादा बेकार होती है। एंड मैं अपनी तरफ से भाई रिकमेंड करूंगा जितना मैंने साइकिलिंग के अंदर देखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है ना, जितना ज्यादा आप पैसा डालोगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एंड मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि क्या इंडियन ब्रांड्स एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स को आप कंपेयर कर सकते हैं या नहीं। देखो भाई इंडियन ब्रांड्स में काफी ज्यादा ब्रांड्स हैं जो कि आजकल में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, उनके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने उनके प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रखे हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें तो मेरे पास ये पड़ी हुई है रैनिट के शॉर्ट्स, ये वन ऑफ दी बेस्ट शॉर्ट्स है जो कि मैंने आज तक भाई यूज करे हैं। ये वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव शॉर्ट्स भी हैं जो कि मैंने यूज करे हैं। ये शॉर्ट्स भाई आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे, आप इसे इंडिया में परचेस नहीं कर सकते हो, आपको इसे बाहर की कंट्री से परचेस करके इंडिया में इम्पोर्ट करना होगा। ये वन ऑफ दी बेस्ट क्वालिटी वाले शॉर्ट्स हैं जो कि मैंने आज तक यूज करे हैं। इनके अंदर जो ये पैडिंग है, ये पैडिंग गाइस मेड इन इटली वाली पैडिंग होती है, जैसे कि एंड्यूरा हो गया, शिमानो हो गया, ये काफी ज्यादा ब्रांड्स हैं जो कि इटली मेड पैडिंग को यूज करते हैं। ये वाली पैडिंग भाई सच में काफी ज्यादा अच्छी है, ये 120D के डेंसिटी के साथ आती है, ये फोम पैडिंग होती है, इसमें जेल वेल नहीं होता है। एंड इसे मैं पिछले 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, काफी ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा कंपेयर टू बिटवीन वाले शॉर्ट्स। बिटवीन की डेंसिटी भाई बस 60 की है एंड इसकी डेंसिटी 120 है जो कि काफी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है और लॉन्गर डिस्टेंसेस मैं इसे इस राइड में चला रहा हूँ। मॉर्निंग राइड्स में जब आप जाते हैं आपको रिफ्लेक्टिव मटेरियल चाहिए होता है ताकि पीछे वाले जो कार्स हैं वो आपको नोटिस कर पाए, तो इसमें भाई रिफ्लेक्टिव मटेरियल भर भर के दे रखा है भाई, आपके लेग्स के नीचे आपको देखने को मिलेगा, आपके लेग्स के साइड में आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर एक पॉकेट भी है, उस पॉकेट के अंदर भाई आप अपने कीज स्टोर कर सकते हो, आप एक मल्टी टूल स्टोर कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप अपना फोन को ठूस के स्टोर कर पाओगे। इसमें गाइस आपको मेश वाला फैब्रिक देखने को मिलेगा जिस वजह से जो एयर वेंटिलेशन है वो भाई यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुंच जाता है, आप बिल्कुल भी स्वेटी फील नहीं करोगे, काफी ज्यादा कूल रखता है ये ओवरऑल आपके सिस्टम को। एंड भाई एक चीज इसके बारे में बात करना रह गया था वो है बिप शॉर्ट्स हो या नॉर्मल शॉर्ट्स हो, ओवरऑल भाई शॉर्ट्स का जो आपको देखना चाहिए वो है कंफर्ट एंड फिट। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपको कंफर्टेबल फिट नहीं आ रहा है शॉर्ट्स के ऊपर, और जो भी कर लो आप जितना भी पैसा डाल लो भाई एक शॉर्ट्स के ऊपर आपको भाई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलेगा। एंड फिट कैसा होना चाहिए, काफी लोग भाई बहुत ज्यादा टाइट फिट वाले कपड़े पहन लेते हैं, काफी लोग काफी ज्यादा ढीला पहन लेते हैं ये सोच के कि वो आने वाले साल में जैसे बड़े होंगे तो उनको फिट आ जाएगा। देखो अगर आप एक छोटे बच्चे हो तो अगर आपके पेरेंट्स ऐसा करके सोच रहे हैं तो स्टिल आप ऐसा करके जा सकते हो, बट मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा, जो आपका करंट साइज है उसी साइज के हिसाब से आपको कपड़े या कोई भी चीज़ परचेस करना चाहिए, क्योंकि भाई साइकिलिंग शॉर्ट्स में जो आपका ढीला ढाला शॉर्ट्स होगा तो आपको डिस्कम्फर्ट वो प्रोवाइड करेगा, आप सीट में बैठोगे वो सीट से अटक जाएगा, ऐसा सारी चीज़ें भाई मेरे साथ हो रखी है। एंड गाइस मैं यही बोलूंगा ज़्यादा टाइट वाले शॉर्ट्स नहीं लेने आपको, क्योंकि उससे भाई आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कम्फर्ट होना चाहिए आपके शॉर्ट्स के ऊपर। एक नॉर्मल जो बेसिक फिट है आप उसमें जंप कर सको, आप अपने पैर को अच्छी तरीके से फ्रीली मूव कर पाओ, ऐसे आपको शॉर्ट्स खरीदने हैं। एंड ऐसी शॉर्ट्स भाई लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में आपको काफी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड गाइस मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा रैनिट का, इन्होंने मेरे को अपने शॉर्ट्स को भेजा है एंड भाई वन ऑफ दी बेस्ट शॉर्ट्स जो कि मैंने आज तक यूज करे हैं। इनकी खुद की वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं एंड आप इन शॉर्ट्स को Amazon UK से भी परचेस कर सकते हो, मैं नीचे बाइंग लिंक छोड़ दूंगा जहां से आप इन शॉर्ट्स को देख सकते हैं। एंड ओवरऑल भाई शॉर्ट्स काफी ज्यादा बढ़िया है एंड काफी ज्यादा अलग अलग कलर्स में भी आपको ये देखने को मिलते हैं। एंड जो मेरे को बहुत बढ़िया पार्ट लगे इस साइकिलिंग शॉर्ट्स की वो थी इसकी पैकेजिंग, इसका फिट एंड कंफर्ट तो बहुत ज्यादा बढ़िया था ही, बट उसके साथ साथ जिस तरीके से मेरे घर पे डिलीवर हुआ, जो पैकेजिंग में आया था भाई, उससे एक्सपीरियंस जो है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया, मेरा यूजर गाइड मिली है, एक शॉर्ट्स के भी भाई यूजर गाइड आती है आजकल एंड उसके साथ एक इंच टेप भी देखने को मिला है, आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रोवाइड करता है। एंड ये भाई काफी ज्यादा थॉटफुल है इनका, ये लोग ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए, तो डेफिनेटली भाई आपको इनको चेकआउट करना चाहिए। इनके बाइंग लिंक्स या फिर इनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इनको जरूर चेकआउट करना। बिप शॉर्ट्स के भी भाई मैं आपको बोलूंगा कि बिटवीन को छोड़ के जो बाकी ब्रांड्स हैं उनको मैंने ट्राई तो करा नहीं है, बट भाई काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज हैं शिमानो एंड एंड्यूरा के शॉर्ट्स के, एंड दोनों ही कंपनीज के जो शॉर्ट्स हैं वो ऑन अ हायर रेंज है, 6,000-7,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं, तो इनके शॉर्ट्स भी भाई आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि भाई ऑफलाइन मार्केट में इनके शॉर्ट्स वाले जो राइडर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो इनके शॉर्ट्स में भी भाई अच्छी क्वालिटी होगी तभी लोग इन्हें यूज कर रहे हैं। अगर आपको बेसिक रेंज में जाना है तो डिकैथलॉन वाला 300 का शॉर्ट्स आप खरीद सकते हैं, उसके बाद अगर आपको एक्सपेंसिव में जाना है तो एंड्यूरा, शिमानो ऐसे ब्रांड्स आते हैं इंडिया के अंदर, पॉन्ट्रेजर के भी आते हैं बट उनका मेरे को कोई रिव्यू पता नहीं है। एंड अगर आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड का शॉर्ट को ट्राई करना है तो भाई रैनिट के शॉर्ट्स को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं,
इनकी जो क्वालिटी है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे को मिला है इन 2 से 3 महीने में इनको यूज़ करते हुए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो डेफिनेटली भाई मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ। एंड गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो भाई में पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन की बेल को भी दबा देना, ताकि जैसे मैं अपने चैनल के ऊपर अपनी न्यू वीडियो को अपलोड करूँगा आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड गाइस अगर आपको अमेज़न से कोई भी चीज़ परचेज करनी है, चाहे वो आपका घर का सामान हो या फिर आपको साइकिलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ परचेज करनी हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा Amazon का बाइंग लिंक है, उस लिंक को प्लीज यूज कर लेना। एंड गाइस आप मेरे को Instagram पे फॉलो कर सकते हो और आप मेरा Facebook पेज भी लाइक कर सकते हो, वहां पे मैं अपनी साइकिलिंग से रिलेटेड पोस्ट डालते रहता हूं ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड दैट इज इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे थे कार्टून स्टार्टर पंकज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय गाइस।